सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमोन का एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी गेम, बहुत ही ज़्यादा स्केरी सा गेम। ये गेम पोकेमोन फायर रेड का एक हैक वर्जन है। इसको कुछ 7-8 साल पहले किसी पोकेमोन फैन ने बनाया था। बाय द वे, इस पोकेमोन गेम का नाम है पोकेमोन हिप्नोस ल्यूलैबी। ल्यूलैबी का मतलब होता है लोरी, यानी कि हिप्नो की लोरी। तो नाम से तो यार गेम काफ़ी क्रीपी लग रहा है, देखते हैं कितना क्रीपी होता है कि नहीं। तो चलो अब गेम स्टार्ट करते हैं। बॉय और गर्ल में से बॉय को चूज़ कर लेते हैं जल्दी से। और नाम मैंने सोच रखा है, मुझे क्या लिखना है। मैं लिखने वाला हूँ IAP, यानी कि आई एम पोकेट्यूबर का शॉर्ट फॉर्म। तो IAP लिख देते हैं चलो, और ओके कर देते हैं। राइट, तो तुम्हारा नाम IAP है? हाँ यार, मेरा नाम IAP है। ये मेरा ग्रैंड सन है, ये गुम हो गया था बेरी फॉरेस्ट में। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इसका नाम क्या था भाई? पता नहीं है, कैसा ग्रैंड फादर है, अपने ग्रैंड सन का नाम ही नहीं पता। तो नाम मैंने चूज़ कर लिया है गैरी, क्योंकि गैरी नाम मेरे को बाकी सबसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्रोफेसर अब बोल रहा है कि हमको इसके ग्रैंडसन को ढूंढना है, यानी कि अपने राइवल गैरी को। और बोल रहा है कि याद रखना, पोकेमोन कभी कभी डेंजरस भी हो सकते हैं, तो संभल के रहना। भाई इतना ज्ञान अपने पोते गैरी को दिया होता तो आज वो गुम नहीं हुआ होता। तो यहाँ पर 2 पोकेबॉल्स पड़ी हुई हैं, इसमें कौन है एक बार चेक कर लेता हूँ। इसमें है वाटर माउस पोकेमोन मैरल, और दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा पोकेमोन है। इसमें है फायरफॉक्स पोकेमोन वल्पिक्स। इन दोनों में से तो मैं डेफिनेटली वल्पिक्स को ही चूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो अब वल्पिक्स हमारी पोकेमोन बन चुकी है। इसको निकनेम नहीं देना यार, हम लोग को निकनेम में कभी भी नहीं देता। और अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं इस रूम से। तो चलो, और मैंने गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, वरना ये काफ़ी स्लो चलता है हमारा कैरेक्टर। तो चलो अब इस रूम से निकलते हैं। इस आइलैंड का नाम है 3 आइलैंड, जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं। यहाँ पर नर्स जॉय खड़ी हैं, पर इनसे बात करके क्या ही फ़ायदा। तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर एक घर है, इसमें देखते हैं कोई है तो उससे बात करते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है, ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है। क्या तुमने उस अफवाह के बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि एक पोकेमोन है जो कि बेरी फॉरेस्ट में बच्चों को किडनैप कर लेता है। तो ये किसी बेरी फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा था, बोल रहा था कि वहाँ पर एक ऐसा पोकेमोन है जो कि बच्चों को किडनैप कर लेता है। तो चलो इस वाले घर में भी जाके देखते हैं इसमें कौन है। तो यार यहाँ पर भी एक आदमी है और एक बच्चा है, इस आदमी से बात करके देखते हैं क्या बोल रहा है। तुमको अकेले कभी भी बेरी फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए, क्यों? वहाँ पर भूत हैं। तो ये भी उस बेरी फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, इस बच्चे से पूछते हैं। ये बोल रहा है कि मेरा एक दोस्त बेरी फॉरेस्ट में गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया है। तो जो भी केस है, मुझे लगता है ये बेरी फॉरेस्ट में ही है। मतलब यार जो भी मिस्ट्रीज हैं वो सब बेरी फॉरेस्ट में जाके ही खुलेंगी। तो यहाँ पर भी एक लेडी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैंने घर इस वजह से ख़रीदा था क्योंकि मैं कहीं शांति से रहना चाहती थी, मुझे लगता है मुझे आज फिशिंग के लिए जाना चाहिए। तो चलो यार, कोई तो इस आइलैंड पे है जो कि बेरी फॉरेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। इस वाले घर में भी देख लेते हैं। हिप्नो हिप्नो हिप्नो, भाई क्या है ये बच्चा, बस हिप्नो हिप्नो ही बोले जा रहा है। हिप्नो हिप्नो, भाई ये तो एक ही बात बोल रहा है। इस अंकल से भी बात कर लेते हैं क्या बोलेगा। कुछ हफ्ते पहले मेरा बेटा बेरी फॉरेस्ट गया था, अब पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो रुक ही नहीं पा रहा, बस हिप्नो हिप्नो ही बोले जा रहा है। अच्छा, तो इसका बेटा क्या है, बेरी फॉरेस्ट में गया था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, ये हिप्नो हिप्नो ही बोलता रहता है। इसीलिए हमने जब उससे बात की थी तो वहाँ पर सिर्फ हिप्नो हिप्नो ही लिखा आ रहा था। तो इसका मतलब है कि यार बेरी फॉरेस्ट में हिप्नो ही है जो बच्चों को किडनैप कर लेता है। तो उस टाउन में से ये रास्ता मिला था मुझे, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। शायद बेरी फॉरेस्ट जो है वो यहीं से किधर होगा। तो अभी तक तो बताऊँ, मुझे गेम इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं आगे कैसा होता है। तो यहाँ पर एक ब्रिज आ चुका है, जल्दी जल्दी इसको पार करते हैं। और हम लोग एक दूसरे आइलैंड पे आ चुके हैं, और यहाँ पर कुछ तो, अरे एक सेकंड, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर एक बार पढ़ लूँ, बेरी फॉरेस्ट अहेड। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बेरी फॉरेस्ट में, और बेरी फॉरेस्ट आ गया है। ये तो बिल्कुल भी कुछ डरावना सा लग नहीं रहा वैसे। एक बार इस आदमी से भी बात कर लेता हूँ, ये क्या बोलेगा। ये बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं बिल्कुल भी इसको पास नहीं करता। तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को तो गेम कंप्लीट करना है, मैं तो पास करूंगा। तो चलो हम लोग आ चुके हैं अभी जंगल के अंदर, और सही में ये बिल्कुल भी स्केरी नहीं लग रहा जितना लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर ये भूत है ये है, मुझे तो बिल्कुल भी स्केरी नहीं लग रहा। तो यार अब बेरी फॉरेस्ट में से कहाँ जाना है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जहाँ भी रास्ता दिखता जा रहा है मैं तो वहीं जाता जा रहा हूँ। तो अब पता नहीं इसके आगे क्या होने वाला है, हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की। तो चलो भाई चलते हैं इस साइड, देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक बोर्ड है, लिखा हुआ है आगे मत जाना। भाई तुम जो बोलोगे ना मैं उसको उल्टा ही करूँगा, मैं तो जाऊँगा आगे। तो यहाँ पर एक बच्ची खड़ी हुई है, लॉस्टेल है इसका नाम। ये बोल रही है हेल्प हेल्प मास्टर हिप्नो, मैंने एक और विक्टिम को पकड़ लिया है, अब आप इसका माइंड कंट्रोल करके इसको अपनी केव में ले जा सकते हैं। अब हिप्नो इस बच्ची से बोल रहा है, बच्ची मेरे पास आओ, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ हिप्नो, मेरी केव में आ जाओ। तो यार क्या हुआ था, इस हिप्नो ने ना उस बच्ची को कंट्रोल कर रखा है, अपने कंट्रोल में कर रखा है, तो वो हेल्प मांगने का बस नाटक कर रही थी। मुझे लगता है ये सारे बच्चों को अपने पास बुलाता है इसी ट्रिक से, और फिर उनको किडनैप कर लेता है। इसमें मैं एम्बर अटैक कर रहा हूँ। ओ भाई इसकी लेवल 100 है यार, इसको हराना तो एकदम इम्पॉसिबल है, मैं कैसे हराऊंगा, उसकी लेवल इतनी ज़्यादा है और मेरे ना एम्बर का उस पर कुछ अफेक्ट हो रहा है। एक और एम्बर ही करता हूँ, ये क्या हो गया, ओ बर्न हो गया भाई, बहुत अच्छा हुआ। तो चलो अब इस बर्न से इसको अफेक्ट होता रहेगा, बर्न से काफ़ी अफेक्ट हो रहा है यार, काफ़ी सही है। अब मुझे लग रहा है कि हम इसको हरा सकते हैं शायद से।
अभी हमारा वल्पिक सो चुका है क्योंकि उसने हिप्नोसिस अटैक यूज़ किया था, लेकिन उसको अभी भी बर्न हो रहा है। और 100 लेवल के हिसाब से हमने उसकी एचपी काफ़ी कम कर दी है, क्योंकि उसकी लेवल हमसे काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी हमने काफ़ी कम कर दी है। ऐसा ही चलता रहा तो हम जीत सकते हैं साइकिक अटैक। ओ गए, वल्पिक्स डाइड। नॉर्मली कैसे यार, पोकेमॉन जो है वो फेंट होते हैं, यानी कि बेहोश होते हैं, लेकिन इसमें इसने हमारे वल्पिक्स को डायरेक्ट मार ही डाला। यार आज ही अपना स्टार्टर पोकेमॉन चूज़ किया था, आज ही वल्पिक्स इसने मार भी डाला, और हमने पैनिक करते हुए 200 रुपये भी गवा दिए अपने। तो अब पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है, और यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बेहोश हो गया, और इसका फ़ायदा उठाया हिप्नो ने, और वो हमें अपनी केव में ले गया। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हिप्नो की केव में, और ये हमारे पोकेमॉन हील करके दे रही है। भाई हील किसको कर रही है, मेरा पोकेमॉन मर चुका है, मेरा वल्पिक्स। ये हमसे बोल रही है कि मैं जानना चाहूँगी इस जगह से निकलते कैसे हैं, यहाँ पर सब लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, और मैं नहीं चाहती कि हिप्नो मुझे भी ढूंढ ले, इसी वजह से यहाँ पर छुपी हुई है। तो इस केव में हिप्नो जो है सबको किडनैप करके लेके आता है, और ये बोल रही है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब हिप्नोटाइज्ड हैं। ओके, इससे बात कर रहा हूँ पर ये कुछ बोल ही नहीं रही। तो चलो यार इस केव में थोड़ा आगे चलते हैं, ये कुछ बोल रहा है कि भाई, ये भी कुछ नहीं बोल रहा, और आगे चल के देखते हैं यहाँ पर और क्या है। ओ ब्रैंडन, पोकेमॉन एमराल्ड का कैरेक्टर है भाई, ये भी कुछ नहीं बोल रहा। ये लड़की देखते हैं ये कुछ बोलेगी क्या भाई, ये भी कुछ नहीं बोल रही, और आगे ये कुछ बोलेगा, ये भी कुछ नहीं बोल रहा। यार कोई भी यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहा, ये लड़की कुछ बोलेगी, ये भी कुछ नहीं बोल रही, भाई इन सबको क्या है। अच्छा ये सारे लोग ना हिप्नोटाइज हैं, इसी वजह से कुछ नहीं बोल रहे। हिप्नो इनको किडनैप करके लेके आ जाता है और इस केव में रख देता है। तू कुछ बोलेगा भाई, तू भी कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ पर तुम लोग साइड में देख सकते हो जिम लीडर एरिका है, यानी कि जिम लीडर तक को किडनैप कर लिया है इसने। और आगे देखते हैं, ओ भाई हमारा राइवल, मतलब यार प्रोफेसर ओक सही था, इसको भी किडनैप कर लिया है हिप्नो ने, और ये भी हिप्नोटाइज है, इस वजह से कुछ नहीं बोल रहा। प्रोफेसर ओक ने मुझको बोला था कि अगर गैरी तुमको दिखे तो मुझे कांटेक्ट करना, लेकिन यार यहाँ पर मैं कैसे कांटेक्ट करूँगा उसको। तो केव में थोड़ा और आगे चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यार यहाँ पर और भी कुछ खास है नहीं, बस लोग हैं और अलग अलग लोग हैं। इसने कितने लोगों को किडनैप किया है भाई, साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया, बहुत लोगों को किडनैप किया है इसने। और आगे कुछ है, ओ हमारा कैरेक्टर भाई, हमारे जुड़वा भाई को भी इसने किडनैप कर रखा है। तो यार और आगे चल के देखते हैं और क्या है यहाँ पर, बस और कैरेक्टर्स हैं। नर्स जॉय को भी कर रखा है इसने किडनैप। तो मुझे नहीं लगता मुझे और आगे जाना चाहिए, बोरिंग ही है बस आगे आगे, मतलब और लोग ही खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है मुझे कहीं और जाना चाहिए। यहाँ पर जाके देखता हूँ यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर जिम लीडर ब्रॉक खड़ा है, और सबकी तरह इसने भी कुछ नहीं बोला। तो हम और आगे चल के देखते हैं, और यार यहाँ पर क्या है, मेरे को तो रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर चल के देखते हैं, शायद से हम लोग एग्जिट पर आ गए हैं क्या भाई, आपको जल्दी से इसकी केव से निकलना है बस एक बार। और आगे चलते हैं, क्या है यार यहाँ पर, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मिस्टी को भी किडनैप कर रखा है यार इसने। तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर सीडी है, शायद से एग्जिट मिल चुका है हमको, यही होगा एग्जिट जहाँ तक। तो चलो यार और आगे आगे चलते हैं, पता नहीं कितना और आगे जाना है। यहाँ पर सीडी आ चुकी है, अब हम लोग उतर सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, ये भी कुछ नहीं बोल रही सबकी तरह ही। तो हम लोग और आगे चलते हैं, यहाँ पर और कैरेक्टर्स हैं यार, कुछ खास नहीं है। वो बाजू में सीडी है, एक सेकेंड, सीडी पर जाना है शायद से हमको, इसके ऊपर ही जाना है शायद, यही एग्जिट हो सकता है। ओके कितना ऊपर है भाई, यहाँ पर एक गड्ढा है, ओ गिर गए, लॉस्ट चैम्बर। तो अब हम किसी लॉस्ट चैम्बर में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो क्या है भाई यहाँ पर, यहाँ पर और बच्चे हैं यार, इसने पता नहीं अब तक कितने बच्चों को किडनैप किया है। और ये होएन जाके भी किडनैप करके लेके आया, क्योंकि पीछे मैंने ब्रैंडन और मे को देखा, और मेरा कैरेक्टर फिर से दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। तो यहाँ पर दो बूढ़े आदमी हैं, एक सो रहा है एक खड़ा है, ये बोल रहा है कि हु एम आई, इट डजेंट मैटर, यानी कि मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, मैं जब 7 साल का था तब हिप्नो ने मुझे किडनैप कर लिया था, और मुझे अब देखो मैंने यहाँ पर बहुत साल बिताए हैं और यहाँ से कोई एस्केप नहीं है। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये जब 7 साल का था तब हिप्नो ने इसको किडनैप कर लिया था, और अब तुम लोग देख सकते हो बूढ़ा हो चुका है और यहीं पे फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कोई भागने का रास्ता नहीं है। चलो इस अंकल से भी बात करके देख लेते हैं। अच्छा भाई अंकल सो नहीं रहा, ये अंकल मर चुका है और ये इसकी लाश है, और ये भी लिखा था कि इसकी जो लाश है वो पड़े पड़े डीकम्पोज होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर एक और गड्ढा है, हिप्नोस केव। अच्छा तो ये है क्या हिप्नो की केव, तो इतने टाइम से हम लोग इसमें घूम रहे थे। यहाँ पर एक बच्ची है और इसकी आंखें तुम लोग देख सकते हो लाल है, क्या भाई हमको इस बच्ची से लड़ना पड़ेगा क्या, इस पर भी मैं अपने पोकेमॉन वाले अटैक यूज़ करूँ, एम्बर मार के देखता हूँ क्या होगा इसको। एम्बर क्या होगा भाई, क्रिटिकल हिट गई बच्ची, डाइड भाई हमने एक बच्ची मार दी भाई, ये हिप्नो हमसे क्या क्या करवा रहा है यार, आगे बढ़ने के लिए इनको मारना भी पड़ ही रहा है। और यहाँ पर एक और बच्चा आ चुका है, इसका नाम है यंगस्टर, इसकी भी आंख तुम लोग देख सकते हो लाल है, यानी कि ये भी पोजेस्ड है। तो इस पर भी मैं एम्बर अटैक यूज़ करता हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं भाई हम लोग। यार इन बच्चों की भी लेवल है, तुम लोग ऊपर देख सकते हो, एक लेवल का बच्चा मेरे सामने कैसे टिकेगा। और यार ये भी मर गया भाई, इस हिप्नो के चक्कर में हमारे कैरेक्टर ने अभी तक 2 बच्चे मार दिए हैं, और एक और बच्ची यार कितने और मारने पड़ेंगे समझ नहीं आ रहा। तो इसका नाम है यंग गर्ल, और ये भी एक लेवल की है, इसकी भी आँख तुम लोग देख सकते हो, ये भी पोजेस्ड है। बट अब मैं सीधा एम्बर अटैक यूज़ करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा भाई। तो बाकी सब की तरह इसका भी काम तमाम हो चुका है,
और अब और आगे चलते हैं। ओ फिर से गड्ढे में गिर गए यार हम लोग। अब आ गए हम लोग सोल्स चैम्बर में। भाई ये क्या हो रहा है यार, हम लोग किस गड्ढे से पता नहीं कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, सब क्या चल रहा है। एक पोकेमोन आया है, पोकेमोन नहीं तो घोस्ट है, तो क्या मैं इससे रन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लड़ना। गॉट अवे सेफली, ठीक है तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं भाई फिर से, यार यहाँ पर ये घोस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फिर से। चलो यार अच्छा है हम लोग जल्दी से एस्केप कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घोस्ट आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर। और यहाँ पर वो बच्ची और हिप्नो आ चुके हैं, बच्ची से बात करके देखते हैं, तो कुछ नहीं बोल रही, हिप्नो से बात करके देखते हैं। अरे यार फिर से एक घोस्ट आ गया, फिर से रन करना पड़ेगा जल्दी से। भाई चल रन कर भाई, मुझे नहीं लड़ना इससे। और फाइनली अब हम लोग बात करने वाले हैं हिप्नो से, तो हिप्नो हमसे बोल रहा है कि आओ छोटे बच्चे मेरे साथ आओ, और उसने हम पे हिप्नोसिस यूज़ कर दिया और हमारा कैरेक्टर फिर से सो गया है। भाई फिर से सो गया, पता नहीं है कहाँ लेके आ गया है हमको। यहाँ पर नर्स जॉय खड़ी हैं, बोल रही हैं दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ नॉट रियल, ये बोल रही है भाई ये सब रियल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद से हिप्नो के सपने में आ गए हैं, या फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है। सिटी का नाम पढ़ो भाई, नाइटमेयर। भाई अब मुझे तो यही लग रहा है कि हम लोग हिप्नो के सपने में आ चुके हैं, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये बोल रहा है कि तुम कभी भी इस नींद से नहीं जागोगे, तुम्हारा जो माइंड है अब वो हिप्नो का हो चुका है। अच्छा ये बोल रहा है कि हमारा जो माइंड है वो अब हिप्नो ने कंट्रोल कर लिया है, तो हम लोग इस नींद से कभी जाग ही नहीं सकते, तो क्या हम लोग यहीं पे फंस गए हैं। और ये बूढ़ा आदमी पोकेमोन टावर बोले जा रहा है, तो ये पूछ रही है कि तुम्हें पता है क्या हुआ है, तो मैं नो कर देता हूँ, हिप्नो हैज़ पोजेस्ड योर ड्रीम्स। तो ये बोल रही है कि हिप्नो ने हमारे ड्रीम्स को पोजेस कर लिया है, यानी कि हमारे सपने को पोजेस कर लिया है। तो मतलब वही अभी हम लोग एक सपने में फंसे हुए हैं और यहाँ से कभी निकल नहीं सकते। यहाँ पर हिप्नो है और ये हमसे बोल रहा है कि तुम्हारे सपने अब मेरे हो चुके हैं। भाई यार ये बहुत खतरनाक है हिप्नो, अभी हमसे बैटल कर रहा है। यार इसकी लेवल कितनी होगी, बस कम हो तो अच्छा है। लैस, अच्छा ये खुद नहीं बैटल कर रहा है, उन बच्चों को भेज रहा है। नॉर्मली इंसान पोकेमॉन्स को भेजते हैं लड़ने के लिए, और यहाँ पर पोकेमॉन इंसान को भेज रहा है। तो एम्बर करता हूँ 100 लेवल की बच्ची पे, 100 लेवल के होने के बावजूद भी इस पर काफ़ी अफेक्ट हुआ है, और इसने लोरी गा के हमको सुला दिया है, हमारा वल्पिक्स हो चुका है। तो यार फाइनली हमारी जो वल्पिक्स है वो उठ चुकी है, और यहाँ पर एम्बर कराते हैं इससे, और फिर से लोरी गा के सुला दिया और उसने हमको। तो फाइनली हमारा वल्पिक्स उठ चुका है, और एम्बर के साथ हमने एक बच्ची को ख़त्म कर दिया। भाई ये क्या हो रहा है, इस हिप्नो के चलते हमारे कैरेक्टर ने पता नहीं कितने बच्चे मार दिए। और फिर से आया एक 100 लेवल का बच्चा, इसकी भी आँख लाल है, मैं इस पर भी एम्बर यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं ये क्या करेगा। हिप्नोसिस यार फिर से सुला दिया। तो फाइनली हमारा वल्पिक्स जाग चुका है, और मैं फिर से इस पे एम्बर करने वाला हूँ, फिर से हिप्नोसिस, लेकिन अटैक मिस हो गया। यस अब जल्दी से एम्बर कर और ख़त्म कर इसको, फाइनली इसको भी हरा दिया, बस दो ही थे ना। एक्सपीरियंस जो है तुम लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मिल रहा है, और मेरा वल्पिक्स जो है वो 26 लेवल का हो चुका है। यहाँ पर तीसरा अभी एक और है, यंग गर्ल, ये भी 100 लेवल की है, इस पर भी मैं एम्बर यूज़ करने वाला हूँ, तो देखते हैं ये क्या यूज़ करेगी। इसने यूज़ किया कर्स, तो चलो इससे हमको तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये यही अटैक करती रहे तो मैं तो अपना एम्बर यूज़ करने वाला हूँ, जल्दी से एम्बर अटैक यूज़ करते हैं, और एक और अटैक लगेगा बस। फाइनली कर्स फिर से यूज़ किया, यस अब तो गई, अब हम लोग फाइनली हिप्नो से बैटल जीत चुके हैं शायद, अब हम लोग इस सपने से निकल जाएंगे। तो अब मारते हैं हमारा फाइनल वाला एम्बर और तीसरी बच्ची भी। यार तीनों बच्चे 100-100 लेवल के थे, लेकिन फिर भी हमारे वल्पिक्स ने हरा दिया, काफ़ी सही है, इसका मतलब हमारा वल्पिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने हिप्नो को हरा दिया है कि अब हम लोग इस सपने से बाहर निकल जाएंगे, और हमको 400 रुपये भी मिले हैं। चलो अच्छा है, वहाँ मैंने पैनिक होकर 200 रुपये गिराए थे, और यहाँ पर मुझे 400 रुपये वापस मिल गए। तो यहाँ पर मैं उस टावर के अंदर आ गया, और सपने से तो हम अभी भी नहीं निकले। इस बच्ची से बात करके देखते हैं, ये बोल रही है तुमने मुझे मारा था याद है लॉस्ट चैम्बर में। ओ यार मतलब ये एक आत्मा है यार, मेरी क्या गलती थी, हिप्नो की वजह से मारना पड़ा मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बस ये आत्मा ही भटक रही है। तो इस वाले फ्लोर पर भी बस वही है यार, ये वही है, हम लोग पोकेमोन टावर के अंदर आ चुके हैं लैवेंडर टाउन वाले, तो यहाँ पर और ऊपर भी है, तो चलो थर्ड फ्लोर पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, चलो उससे चल के बात करते हैं। तो चलो बात करते हैं इस बच्चे से, बोल रहा है सो दिस इज़ माई टूम स्टोन। ओ भाई बोल रहा है जो गोल्डन वाली टूम स्टोन है ये इसकी है, मतलब यार ये भी आत्मा है, तो निकल लेते हैं यहाँ से। तो चलो और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर एक और फ्लोर है अभी, शायद ये लास्ट है क्या, नहीं लग रहा है इससे भी ऊपर है। यार यहाँ पर पोकेमॉन्स बहुत एनकाउंटर हो रहे हैं, तो चलो देखते हैं आगे चल के और क्या है यहाँ पर। तो चलो हम लोग बैटल से निकल चुके हैं, अब और आगे चलते हैं। यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ से चलते हैं, तो क्या ये फाइनल फ्लोर है, और वहाँ बीच में कुछ है, उधर चलते हैं। यार ये घोस्ट पे घोस्ट आते ही जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये जो ब्लू वाला है इस पर खड़े होने से कुछ होगा क्या, नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा। तो शायद से अब ये फाइनल फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर एक बच्ची है, ये क्या बोल रही है, यू किल्ड मी आई कांट रेस्ट इन पीस। यार ये सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मैंने इनको मार दिया, यार हिप्नो ने मारा था, मतलब मारा तो मैंने ही था, पर हिप्नो की वजह से मारा था ना।
तो ये फाइनल फ्लोर आ चुका है और यहाँ पर हिप्नो बैठा हुआ है हमारे पीछे, और ये पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये ब्लू ब्लू कलर का भाई क्या है, कहाँ पे आ चुके हैं। हिप्नो यूज ड्रीम ईटर, यार ये किस जगह पे आ गए कुछ समझ नहीं आ रहा, और आगे चल के देखता हूँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जा नहीं पा रहे भाई, क्या है पता नहीं है। हिप्नो यूज ड्रीम ईटर, ये कुछ बोल भी नहीं रहा, और आगे चल के देखता हूँ। ओ ये तो आता ही जा रहा है टेलीपोर्ट होके हमारे पास। ओके तो मैंने अभी अभी चेक किया है, यही इस गेम का एंड है, यानी कि हिप्नो ने हमको पता नहीं अपनी कौन सी दुनिया में फंसा लिया है, अब हम लोग हार चुके हैं, ये हिप्नो जीत और चुका यार इस है। गेम में ना दो एंडिंग्स हैं, ये है हमारी पहली एंडिंग जहाँ पर हम लोग इसमें फंस चुके हैं, और दूसरी एंडिंग ऐसे होगी कि जब हम लोग पहली बार जंगल में मिले थे ना हिप्नो से, उस बैटल से अगर हम लोग रन कर दें या फिर हिप्नो को हरा दें तो इस गेम का जो एंड है ना वो थोड़ा अलग होगा, तो मैं वो वाली एंडिंग भी देखना चाहता हूँ। तो ठीक है यार, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर वो बच्ची खड़ी होगी, हाँ ये रही, हेल्प हेल्प। तो चलो हम लोग जल्दी से इस बैटल को स्टार्ट करते हैं, और हमको कुछ भी करके यहाँ से रन करना है इस बैटल से, तब अलग एंडिंग होगी। तो चलो भाई कुछ भी करके बैटल से रन करना है, जल्दी से रन करता हूँ। कैंट एस्केप भाई, साइकिक गए, मार दिया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो मैं फिर से आ चुका हूँ बच्ची के पास, हेल्प हेल्प, फाइनली बैटल फिर से स्टार्ट हो रही है भाई, जल्दी बैटल स्टार्ट करवा यार। तो फाइनली बैटल स्टार्ट हो गई है और हम लोग को फिर से रन करना है, तो चलो रन करते हैं। कैंट एस्केप, फ्यूचर साइट, फिर से रन करते हैं। कैंट एस्केप, हिप्नोसिस, फिर से रन करते हैं। गॉट अवे सेफली, तो अब हमको अलग एंडिंग देखने मिलेगी। ये बच्ची बोल रही है ओ दैट वॉज सो स्कैरी, थैंक यू, और ये हमको गिफ्ट के लिए कुछ बेरीज दे रही है, चलो थैंक्स यार बेरी के लिए। तो ये हमसे हमारा नाम पूछ रही है, लेकिन मैं नहीं बताने वाला अपना नाम इसको। तो ये बच्ची काफ़ी डरी हुई है, इस वजह से हमको इसको घर छोड़ के आना पड़ेगा। हम लोग इसके घर आ चुके हैं और इसके डैड हमको थैंक्स बोल रहे हैं। तो यार इसमें दो एंडिंग है, यानी कि जो पहली वाली एंडिंग थी उसमें तो हम लोग हार जाते हैं, हम लोग हिप्नो की किसी दुनिया में फंस गए थे, लेकिन अगर हम लोग पहले ही बैटल से बच जाएँ, यानी कि रन कर लिया हमने बैटल से, तो हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, हमने इस बच्ची को भी बचा लिया है और हमारी खुद की भी जान बच गई। यानी कि अगर मैं पहली बार खेल रहा था तब भी मैं एस्केप हो गया होता ना, तो हैप्पी एंडिंग हो जाती और ये वीडियो बस एक दो मिनट की होती। तो अब बस ये एक नॉर्मल सा गेम है, जो मेन स्टोरी थी हमने ख़त्म कर ली है, दोनों स्टोरीज, अच्छी एंडिंग वाली भी, बुरी एंडिंग वाली भी। तो फिर यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और हॉरर गेम्स देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर करो 3K लाइक्स, मतलब अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं और भी हॉरर गेम्स खेलूंगा, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया क्योंकि इसमें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना पोकेमॉन के अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।